हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताऊंगा आपको कि ये नोकिया 3 को हार्ड रीसेट रिकवरी मोड से कैसे कर सकते हैं। तो ये नोकिया का देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोकिया का 3 मॉड, नोकिया 3 है का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, नोकिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। मैंने तो स्विच ऑफ कर चुका है इसीलिए, और इस पर चार्जिंग केबल कनेक्ट करनी है। तो चार्जिंग केबल अपन कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने चार्जिंग कनेक्ट कर दी है, और वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ दबाना है और दबाए रखना हैगा जब तक रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। ये प्रेस करके रखेंगे हम इसको जब तक ये रिकवरी मोड में नहीं चला जाए। हेलो हेलो। तो दोस्तों मैं अभी ये देखिए, ये आ गया है रिकवरी मोड। कोई बटन नहीं छोड़ना, इस पर एक मैसेज शो करेगा कि मतलब प्लीज़ रिलीज पावर की, मतलब कह रहा है कि मतलब पावर की छोड़ दो 10 सेकेंड के अंदर तो मोबाइल बंद हो जाएगा, और रिकवरी मोड में जाना है तो फिर वेट करो। तो अपन को वेट करना हैगा। तो मैं चार्जिंग केबल को आपको कनेक्ट रहने देना है। तो देखिए इस पर वाइड डाटा का ऑप्शन हैगा, तो वॉल्यूम अप एंड डाउन से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, पावर की से सिलेक्ट करते हैं, और हम ये डिलीट ऑल यूज़र डाटा, हमारा कोई डाटा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, हम इसको पावर की से डिलीट कर देते हैंगे। तो ये देखिए नीचे वाइपिंग डाटा हो रहा हैगा, फॉर्मेटिंग डाटा। हम थोड़ा वेट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ये फोन हो रहा है फॉर्मेट। इसका रिकवरी मोड थोड़ा डिफरेंट है, जब तक ये चार्जिंग केबल कनेक्ट नहीं होती जब तक नहीं होता है, ये रिकवरी मोड पे नहीं आता हैगा। ये रिस्टार्ट होता रहेगा, स्विच दबाएंगे आप, और जब तक ये केबल लगा दोगे और स्विच प्रेस करके रखे रहोगे तो आ जाएगा रिकवरी मोड। तो आपको ये चार्जिंग कनेक्टर लगा के रखना है, और चार्जर चालू होना चाहिए। ये मैंने चार्जर ऑन करके रखा हुआ है। हम थोड़ा वेट करेंगे, ये फॉर्मेट हो रहा है, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी हम डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आपको ज़्यादा मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हो वीडियो हमारी। तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो पोज करता हूँगा जब तक। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, इस पर मुझे 10 मिनट लग गए ये फॉर्मेट होने में, तो इस पर थोड़ा समय लगेगा। देख लीजिए नीचे आज फॉर्मेटिंग डाटा, सबको डाटा वाइप कंप्लीट हो चुका हैगा। तो ये इस पर थोड़ा समय लगता हैगा, तो ये मत सोचिए कि ये फंस गया हैगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे ये नोकिया है तो हैंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा इस पर टाइम लगता हैगा, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे तो 10 मिनट लग गए ये फॉर्मेट होने में। तो चलिए मैं इसको रिबूट कर लेता हूँ। ये पावर की से ऑप्शन फर्स्ट ही वाला है, रिबूट सिस्टम नाउ, ये मैंने रिबूट कर दिया, अब ये ऑन होगा। चलिए इसको हम ऑन हो जाने देते हैंगे, और देखते हैंगे फिर इसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं। हो रहा है ऑन, नोकिया लिख के आ रहा है। ये इसका रिकवरी मोड चार्जिंग केबल कनेक्ट होगी तभी होगा ये, नहीं तो ये नहीं सोचना कि ये चार्जिंग कनेक्टर नहीं लगाओगे और हम स्विच दबाएंगे तो आ जाएंगे, तो नहीं होगा। ये बंद चालू होएगा, बस ऑन हो जाएगा, फिर एंड्रॉयड में आएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर एंड्रॉयड में आएगा। तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जब रिकवरी मोड में आ जाए तो आप फिर चार्जर निकाल भी सकते हैं, अलग ही रहन दे सकते हैं, जैसा आपको करना हो। और बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए रीसेट करते टाइम समय,
नहीं तो इसकी मेथड पूरी नहीं हो पाएगी तो ये फंस भी सकता है मोबाइल। तो चलिए ऑन हो रहेगा तो हम इसको ऑन होने देते हैं। ये नोकिया 3 है, 1032 मॉडल नोकिया 3 को जिसको कहते हैं अपन, जब ये न्यू लेटेस्ट मॉडल हैगा। तो चलिए इसको हम ऑन होने देते हैं। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका हैगा, इसका नोकिया का साउंड आ चुका है जो ऑन होता हैगा नोकिया का। तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुका है। इस पर आप अपनी हिसाब से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इस पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करते हैं हम। अब इस पर बोल रहा है कि डाटा सिक्योर है, प्रेस स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये नोकिया 10, ये देखिए रिसेट योर। तो हम इस पर कीप रिस्टोरिंग योर डाटा, इस पर पूछ रहा है कौन सा करना हैगा। अपन इसका गूगल अकाउंट पे डालते हैं, CSU वाईफाई। मैं वाईफाई ऑन कर देता हूँ फिर कनेक्ट करते हैं हम। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो कनेक्ट हो चुका है, अब इसको हम आगे करते हैं, सेटिंग्स करते हैं इसकी। एडिंग अ फ्यू फिनिशिंग टच, हम थोड़ा रुकेंगे, वेट करते हैं। चेकिंग फॉर अपडेट, मोबाइल रिचार्ज करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इसका गूगल अकाउंट हटा दिया है सेटिंग्स पे जाके, इसीलिए स्किप हो रहा है यहाँ से। तो चलिए मैं स्किप करके सेटिंग्स कर लेता हूँ इसको। आप रीसेट करते समय एक बार गूगल अकाउंट सेटिंग से अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं, मैं तो नॉट नाउ करता हूँ स्किप। एनी वे सेटअप लेटर कर देते हैं हम। तो चलिए फिनिश हो गया है, कॉन्ग्रेस, यू आर रेडी टू गो। ये देख लीजिए, मैं इसका सेटिंग्स से जाके आपको एक बार इसका मॉडल दिखा देता हूँ। ये देखिए नोकिया 3 1032, TA-1032 मॉडल, जिसका एंड्रॉयड वर्जन नोगट हैगा। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ अब। तो आप इस वीडियो की मदद से कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जो भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए।